दोस्तों आज का ये वीडियो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ लॉरियल की एक नई ट्रीटमेंट पर, जिसका नाम है डीप नरिशिंग ट्रीटमेंट। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि लॉरियल की एक ट्रीटमेंट थी जिसका नाम था पावर मिक्स, यानी सीरी एक्सपर्ट जो सीरीज थी, सीरी एक्सपर्ट की जो सीरीज थी उसमें एक ट्रीटमेंट थी जिसका नाम था पावर मिक्स, और लॉरियल ने पावर मिक्स ट्रीटमेंट एक्चुअली बंद कर दिए, और ये जो ट्रीटमेंट है डीप नरिशिंग ट्रीटमेंट ये उसी का ही रिप्लेसमेंट है, यानी जो लॉरियल की सीरी एक्सपर्ट में पावर मिक्स ट्रीटमेंट थी उस ट्रीटमेंट का ये रिप्लेसमेंट है। और आज मैं आपको इसी ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल जानकारी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आपको ये सीखना है या समझना है तो इस वीडियो को एंड तक और ध्यान से जरूर देखिए। दोस्तों मैं अजय फ्रॉम इन्फिनिटी सलोन एजुकेशन आपका स्वागत करता हूँ आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एग्जैक्टली ये डीप नरिशिंग ट्रीटमेंट क्या है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर करें और साथ में बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। दोस्तों जैसे मैंने पहले कहा कि लॉरियल ने जो पावर मिक्स प्रोडक्ट था, जैसे सीरी एक्सपर्ट में जो पावर मिक्स प्रोडक्ट था, उस प्रोडक्ट को कम्प्लीटली बंद कर दिया है और उसके बदले कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च किए है और नई ट्रीटमेंट्स भी लॉन्च किए। इसके बारे में मैंने एक छोटा सा वीडियो बहुत पहले बनाया था, आप चाहो तो इस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो प्लीज उस वीडियो को भी जरूर देखिए, वो ये वीडियो भी आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला उस ट्रीटमेंट पर, प्रोडक्ट के बारे में भी साथ में थोड़ा बहुत बात करूंगा, लेकिन एक्चुअल में जो बात करने वाला हूँ वो है ट्रीटमेंट पर। और बाकी प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिए, जो जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। दोस्तों लॉरियल ने जो सीरी एक्सपर्ट है उसमें बहुत अलग अलग 5 अलग अलग ट्रीटमेंट लॉन्च की है, जिसमें से फर्स्ट ट्रीटमेंट का नाम है डीप नरिशिंग ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट बेसिकली आपको डैमेज ड्राई बालों के लिए करनी है, और याद रखिए ट्रीटमेंट का नाम मैंने क्या बताया, डीप नरिशिंग ट्रीटमेंट। उसी तरह दूसरी ट्रीटमेंट है आपकी मेटल रिएक्ट ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट के बारे में यहाँ मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, कि उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, तो आप उस वीडियो को जाके देखिए, उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। यानी याद रखिए दोस्तों मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दी है, जिसमें से एक लिंक है आपके सीरी एक्सपर्ट के प्रोडक्ट के बारे में, और जो दूसरी लिंक है उसमें मैंने आपको बताया कि ये मेटल रिएक्ट ट्रीटमेंट क्या है, कैसी है, उसे कैसे यूज करना है वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें डिटेल में की है, तो उसे आप जाके जरूर देखिए। और ये जो थर्ड ट्रीटमेंट है, इस ट्रीटमेंट का नाम है कलर सीलिंग ट्रीटमेंट। यानी ये ट्रीटमेंट ऐसे क्लाइंट को आपको सजेस्ट करनी है जिनके बालों में उन्होंने ऑलरेडी कलर किया है, या कलर की वजह से उनके बालों में कुछ प्रॉब्लम है, ड्राइनेस है, या उस कलर को उन्हें लॉन्ग लास्टिंग रखना है, तो ऐसे क्लाइंट के लिए आप ये कलर सीलिंग ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकते हो। और ये जो फोर्थ ट्रीटमेंट है, इस ट्रीटमेंट का नाम है लेंथ फिलर ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट एक्चुअली लॉन्ग हेयर के लिए, यानी ऐसे क्लाइंट जिनके हेयर लंबे हैं और ऐसे लंबे बालों को उन्हें हेल्थी और अच्छा रखना है और शाइनी रखना है, तो ऐसे क्लाइंट के लिए आपको लेंथ फिलर ट्रीटमेंट सजेस्ट करनी है। और जो लास्ट ट्रीटमेंट है दैट इज फिफ्थ ट्रीटमेंट, उस फिफ्थ ट्रीटमेंट का नाम है फ्रीज कंट्रोल ट्रीटमेंट। यानी ये ऐसे क्लाइंट के लिए है जिनके हेयर फ्रीज है या अनमैनेजेबल है, तो ऐसे क्लाइंट के लिए आपको ये फ्रीज कंट्रोल ट्रीटमेंट सजेस्ट करनी है। तो याद रखिए लॉरियल की टोटल 5 अलग अलग ट्रीटमेंट है जो लॉरियल ने अभी रिसेंटली लॉन्च की है, जिसमें जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है उसका नाम है डीप नरिशिंग ट्रीटमेंट, सेकंड ट्रीटमेंट का नाम है मेटल डीएक्स ट्रीटमेंट, थर्ड ट्रीटमेंट का नाम है कलर सीलिंग ट्रीटमेंट, फोर्थ ट्रीटमेंट का नाम है लेंथ फिलर ट्रीटमेंट, और फिफ्थ ट्रीटमेंट का नाम है फ्रीज कंट्रोल ट्रीटमेंट। तो दोस्तों ये थी 5 अलग अलग ट्रीटमेंट जो लॉरियल ने रिसेंटली लॉन्च की है पावर मिक्स के बदले। वैसे तो लॉरियल की और कई सारी ट्रीटमेंट्स है, फॉर एग्जांपल थिनिंग एयर वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। मैं यहाँ आज जो 5 ट्रीटमेंट है उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट और ज़्यादातर यूज होने वाली ट्रीटमेंट है, जिसका नाम है डीप नरिशिंग ट्रीटमेंट, उस ट्रीटमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ। और बाकी की जो ट्रीटमेंट है मैं उसके ऊपर आगे वीडियो जरूर बनाऊंगा, लेकिन आज का वीडियो याद रखिए क्या है, किस टॉपिक पर है, डीप नरिशिंग ट्रीटमेंट पर। बाकी दोस्तों अगर आपके 5 ट्रीटमेंट के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी तो इस वीडियो को थम्सअप जरूर करें, और नीचे कमेंट्स में यस करके भी बताइए कि आपको ये बात समझ में आ गई कि ये 5 अलग अलग ट्रीटमेंट क्या है
और किस क्लाइंट को आपको ये ट्रीटमेंट सजेस्ट करनी है। बाकी जो मैंने जो कहा कि आज मैं बात करने वाला हूँ डीप नरिशिंग ट्रीटमेंट पर, जैसे नाम वैसे ही ट्रीटमेंट है, यानी ये डीप नरिशिंग ट्रीटमेंट बेसिकली क्या करती है, आपके बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। क्योंकि ड्राइनेस के वजह से या डैमेज के वजह से आपके बालों में जो नरिशमेंट था, प्रोटीन था, वो प्रोटीन निकल जाता है, तो उसे वापस लौटाने की ये ट्रीटमेंट है। दिस ट्रीटमेंट इज पावर्ड बाय प्रोटीन एंड गोल्ड क्यूनो, यानी ये दो इंग्रीडियंट्स से ये ट्रीटमेंट बनी है। ये ट्रीटमेंट आपके बालों को हेल्थी ही नहीं बल्कि आपके बालों को स्ट्रांग और शाइनी भी बना देती है। और ये ट्रीटमेंट जो लॉरियल में एब्सोल्यूट रिपेयर वाली ट्रीटमेंट थी उसी का ही एक रिप्लेसमेंट है। सो आप बात करते हैं इस ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स की जरूरत है। इस ट्रीटमेंट के लिए आपको 5 अलग अलग प्रोडक्ट की जरूरत है, जिसमें से पहला प्रोडक्ट जो है वो है एब्सोल्यूट रिपेयर शैम्पू, दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है एब्सोल्यूट रिपेयर मास्क, तीसरा जो प्रोडक्ट है वो है एब्सोल्यूट रिपेयर ऑयल, और जो फोर्थ प्रोडक्ट है वो है आपका विटामिनो एसिडिक सीलर, और जो फिफ्थ और लास्ट प्रोडक्ट है वो है आपका सीरम या ऑयल। ये आपको 5 अलग अलग प्रोडक्ट यूज करने हैं इस डीप नरिशिंग ट्रीटमेंट के लिए। बाकी इस ट्रीटमेंट को लॉरियल ने 6 स्टेप्स या 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें जो फर्स्ट पार्ट है या फर्स्ट स्टेप है वो है क्लींजिंग, यानी फर्स्ट स्टेप इज क्लींजिंग, सेकेंड स्टेप इज हेयर केयर, थर्ड स्टेप इज मसाज, और जो फोर्थ स्टेप है दैट इज ट्रीट, और जो फिफ्थ स्टेप है या फिफ्थ प्रोसेस है वो है ब्लो ड्राई, और जो फाइनल स्टेप है वो है फिनिशिंग। यानी टोटल यहाँ पर 6 अलग अलग स्टेप्स लॉरियल ने दिए, यानी टोटल प्रोसेस को 6 स्टेप्स में या 6 पार्ट्स में लॉरियल ने डिवाइड किया है। तो चलो वन बाय वन हम हर एक प्रोसेस को या स्टेप्स को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने दोस्तों कहा कि जो फर्स्ट स्टेप है वो है क्लींजिंग, यानी यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लाइंट के हेयर को अच्छी तरह शैम्पू से वॉश करना है, और वो शैम्पू आपका यूज होगा एब्सोल्यूट रिपेयर शैम्पू। इस शैम्पू से आपको क्लाइंट के बालों को 2 बार अच्छी तरह वॉश करना है, यानी आपको अप्रोक्सीमेट 20 ml शैम्पू लेना है और क्लाइंट के हेयर को अच्छी तरह वॉश करना है, ताकि बालों में जो ऑयल, डस्ट, जो भी पोल्यूशन या जो भी प्रोडक्ट्स है, यानी क्लाइंट सब वो स्टाइलिंग प्रोडक्ट को यूज करती है, तो वो सब बालों में से आपको निकालना है, और इसके लिए आपको बालों को 2 बार वॉश करना है विद द हेल्प ऑफ एब्सोल्यूट रिपेयर शैम्पू, यानी आपको इस वाले शैम्पू से क्लाइंट के हेयर को अच्छी तरह वॉश करना है। इसके बाद है आपकी सेकेंड स्टेप, यानी सेकेंड स्टेप में आपको या जिसका नाम है सेकेंड स्टेप का हेयर केयर, यानी यहाँ क्या करना है, आपको अराउंड से लाइक 25 ml या 25 ग्राम मास्क लेना है, यानी जो एब्सोल्यूट रिपेयर का जो मास्क है वो आपको मास्क लेना है, और उसमें तीन पंप आपको जो ऑयल है एब्सोल्यूट रिपेयर का जो ऑयल है वो ऑयल उसमें मिक्स करना है, और ये प्रोडक्ट आपको क्लाइंट के बालों के यानी गीले या टॉवल ड्राई बालों पे आपको लगाना है और अच्छी तरह उसे इमल्सीफाई करना है। याद रखिए आपको ये प्रोडक्ट को क्लाइंट के वेट हेयर पर लगाना है। आप ये शैम्पू स्टेशन पर भी प्रोसेस कर सकते हो या क्लाइंट को चेयर पर लाकर भी ये प्रोसेस कर सकते हो, लेकिन याद रखिए प्रोडक्ट रूट्स से हल्का सा छोड़ के सारे बालों पर लगाना है और उस प्रोडक्ट को अच्छी तरह इमल्सीफाई करना है। थर्ड स्टेप होगी आपकी मसाज, यानी आपको यहाँ क्लाइंट को कम से कम 10 से 15 मिनट तक मसाज करना है, और ये मसाज आपका होगा स्काल्प पर, ये आपको मसाज अच्छी तरह करना है। तो मसाज की बहुत सारी अलग अलग टेक्निक होती है, उसमें से शायद हो सके मैं आगे कुछ वीडियोज में आपको मसाज की भी टेक्निक सिखा दूँ, लेकिन आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेड मसाज कर सकते हो, लेकिन आपको याद रखिए मसाज कम से कम 10 से 15 मिनट तक करना है, और मसाज होने के बाद आप चाहो तो 5 से 60 मिनट तक यानी 5 to 7 minutes तक आप क्लाइंट को स्टीम या हीट दे सकते हो, लेकिन याद रखिए आपको ज़्यादा देर तक स्टीम नहीं देनी, आपको सिर्फ 5 to 7 minutes तक स्टीम देनी है, और उसके बाद क्लाइंट के हेयर को अच्छी तरह प्लेन वाटर से रिंस करना है। याद रखिए आपको बाद में क्या करना है, क्लाइंट के हेयर को अच्छी तरह रिंस करना है। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट प्रोसेस होगी वो होगी आपकी ब्लो ड्राई, यानी आप यहाँ चाहो तो क्लाइंट के हेयर को ब्लो ड्राई भी कर सकते हो, और जो लास्ट दैट इज फिनिशिंग स्टेप होती है वो है आपकी फिनिशिंग अपना ऑयल लगाने की, यानी यहाँ आप चाहो तो सीरम भी लगा सकते हो, यानी एब्सोल्यूट रिपेयर का जो सीरम है वो भी लगा सकते हो या ऑयल भी लगा सकते हो, दैट्स ऑल। इतनी सिंपल प्रोसेस है ये आपकी
डीप नरिशिंग ट्रीटमेंट की। अगर दोस्तों आपको ये स्टेप्स यानी जो मैंने प्रोसेस या स्टेप बताई कि डीप नरिशिंग ट्रीटमेंट आपको किस तरह से करनी है, ये अगर आपको समझ में आ गई होगी तो नीचे कमेंट्स में यस करके बताइए और इस वीडियो को एक थम्स अप भी जरूर करें, और हो सके तो इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। इसके अलावा भी दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चंस यानी आज का टॉपिक होने के बाद अगर फिर भी आपके माइंड में कुछ डाउट्स या क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए, मैं उसका भी आंसर देने की कोशिश जरूर करूंगा। और ये जो आज का वीडियो, इस पर मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो भी जल्दी से जल्दी बनाने वाला हूँ। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अगर हाँ तो वीडियो को थम्स अप जरूर करें, और अगर जैसे मैंने पहले भी कहा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर करें, बेल आइकॉन भी जरूर दबाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख के कुछ सीख सके। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।